कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में कोई गरीब आदमी भूखा न रहे, इसलिए गरीबों को निःशुल्क राशन बांटने के आदेश सरकार ने दिए हैं। ऐसे में भी कुछ लोग मुनाफाखोर गरीबों को सड़ा चावल बांट रहे हैं, ऐसा ही एक वाक्य रीवा से सामने आया है। सरकार द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से गरीबों को निःशुल्क राशन वितरण करने के लिए आदेशित किया गया है। ऐसे में रीवा के डबोरा उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन सड़ा और कीड़े युक्त चावल लोगों को बांट रहा है। अगर कोई हितग्राही सड़ा चावल लेने से इनकार कर देता है तो सेल्समैन उसके साथ बदतमीजी करने पर उतर आता है। जनपद पंचायत जवा के अंतर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकान डबोरा पर जमकर मनमानी की जा रही है। हितग्राहियों को वितरित किए जाने वाले चावल में लंबे लंबे कीड़े साफ नजर आते हैं। अब इस चावल को खाने के बाद गरीबों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल स्थानीय प्रशासन भी इस मामले पर मूक दर्शक बना हुआ है। चावल केवल चावल बस जी, चावल और बाकी गेहूं अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। चावल जो आया हम देख रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत खराब दिख रही है, उसमें कीड़े भी दिख रहे हैं, चावल काला पड़ गया है। काला तो नहीं है लेकिन वो पानी के कारण जो छिड़काव होता है ना, कहीं कहीं बोरियां वो हो गई हैं, उसी कारण भी ये लोढ़ी है। इसमें खराब चावल नहीं है। आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया कि चावल खराब है? हाँ, अब तो नहीं कराए। जो इसका जिम्मेदार कौन होगा अगर खराब चावल कोई खाएगा, गरीब अगर मर जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये शासन होगी भाई, जो दिया हो वो बांट रहे हम लोग। फिलहाल खाका खाद्यान्न मिला था अपना का? चावल भर कई किलो मिली अपना का? अब 10 किलो देंगे एक आदमी का। हम देख रहे हैं कि चावल में लुढ़ी लगी है, है ना कीड़ा हुआ। अरे आधे आध की रुपा। हाँ, हाँ। तो कैसे कल आप कैसे खावे? अब जैसे कह दिया था कि बाप के तुम्हारे लागत का पैसा। हाँ। तब अब सेहत कह दिया था तो सेहते के रही थी। हाँ। बाप के क्या तुम्हारे बाप का पैसा लागत है? अब खाब जैसे क्या करब। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।